नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर जाहिर में रोज की तरह हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताने वाले हैं। कल भी काफी सारे आइडियाज बताए थे आशीष हमने, जहां पे दमदार कमाई लोगों ने की है। मिसाल के तौर पे M&M क्या भागा है कल, वो स्टॉक जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है सबने अपग्रेड किया, उसके बाद देखिए स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। ऐसे ही काफी सारे स्टॉक्स है जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले संकेत देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे करीब 70-80 पॉइंट के आसपास की तेजी के संकेत दे रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि US के मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो ओवरनाइट जम के खरीदारी देखने मिली। लगातार दूसरा दिन था जहाँ पे जम के तेजी हुई है, खासकर डाउ जोन्स 350 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। S&P रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हो रहा, रसल 2000 इसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, US में 2.5% के आसपास का उछाल वहाँ पे देखने मिला। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि आपको ये बता रहा है कि ग्लोबली छोटे मझोले स्टॉक्स में फिर से एक बार एक्शन लौट रहा है। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी संकेत अच्छे ही नज़र आ रहे हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स को देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप ट्रेड कर रहे हैं, हल्के लाल निशान में वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए लाल और हरे के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब कोई झटके आपको नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि नतीजे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो जो भी नतीजों का इम्पैक्ट होना था वो अब मार्केट पे हो चुका है। तो अब हमारे मार्केट जो है, आशीष अगला बड़ा ट्रिगर आपको क्या लगता है क्या होगा मार्केट के लिए? देखिए मार्केट फिलहाल देखिए ट्रिगर की तो तलाश हम कर ही रहे हैं, जैसे कि आज 20 स्टॉक ढूंढने में आप भी सहमत होंगे इस बात से बड़ी मुश्किल हुई है। सही बात है। टेक्निकल तौर पर स्टॉक्स अगर आप देखें तो ऑलरेडी इतनी बड़ी तेजी एक ही दिन में, जैसे ही ब्रेकआउट होता है 15-20% के मूव आ जाते हैं, दूसरे दिन कैसे खरीदारी करेंगे? थोड़ा सा स्टीम बचना तो चाहिए। खबरों के लिए आज से सिग्निफिकेंट खबरों का बड़ा अभाव है, रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, अब आइडिया ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे बाजार में थीम्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं, हालांकि इसके बाद भी हमने देखे पूरी मेहनत करके 20 स्टॉक आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। ट्रिगर की तो तलाश मुझे भी है, आपको पता चलता है तो मुझे भी बताना। देखिए आज मल्टीपल ट्रिगर्स है वैसे तो, लेकिन यहाँ से थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रिगर, मुझे एक बड़ा ट्रिगर जो आप नजर आ रहा है वो इलेक्शन के सिवा कुछ है नहीं। हालांकि उसके पहले नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, हमारे जो कंपनियों के नतीजे हैं, जो Q4 के नतीजे हैं इसके पहले, इलेक्शन के पहले, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बड़ा ट्रिगर तो वही है, उसके अलावा काफी सारे और ट्रिगर्स है जिसपे नजर होगी। फिलहाल तो हमारे पास एक ही ट्रिगर है, वो है ग्लोबल मार्केट जो अच्छा चल रहा है, तो उसी के चलते हमें लगता है हमारा मार्केट भी अच्छा है। एग्जैक्टली, तो ग्लोबल अच्छा है तो हमारे मार्केट भी अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी है फिलहाल 75 अंक ऊपर। शुरुआत कर लेता हूँ कैश की कैटेगरी के साथ, स्टॉक जो मैं ढूंढ के आया हूँ जहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको रखनी नजर। देखिए आप कितना भी इग्नोर कर लें, लेकिन जो छोटे सरकारी बैंक है वो अलग लेवल की स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, इग्नोर कर ही नहीं सकते। जिस दिन इग्नोर करोगे दूसरे दिन आपको स्टॉक सर्किट पे दिखते हैं। सेंट्रल बैंक में स्ट्रेंथ है, अच्छी खासी इनहेरेंट स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जिस दिन बाजार का मूड माहौल बढ़िया होता है बैंकिंग स्टॉक चलते हैं, ये आउट परफॉर्म करते हैं, सबका ध्यान चले जाता है HDFC बैंक में बॉटम पकड़ने के लिए। लेकिन जितना आप एक साल में HDFC बैंक में कमाएंगे, इतना दो दिन में अगर व्यू सही पड़ गया तो छोटे सरकारी बैंक आपको दे देंगे। यहाँ पर फोकस करिएगा, ट्रेडिंग के लिए आपका टाइट लगाइए, स्टॉप लॉस फोकस यहाँ पर करना चाहिए। चलिए, तो बड़े बैंक में अगर आप बॉटम पकड़ने जाएंगे उससे अच्छा छोटे बैंक जो है वहाँ पे फोकस करिएगा। हालांकि आशीष, HDFC बैंक में ना टॉप पकड़ना आसान है ना बॉटम पकड़ना आसान है, क्या हो रहा है उसमें तो भगवान ही जाने। और जब नतीजे आए थे तभी भी मैं और कुशल ट्रेडर जारी खेल रहे थे, हमने यही कहा था जब तक अगले नतीजे नहीं आएंगे ना तब तक इस स्टॉक को हाथ नहीं लगा। ओके, डेफिनेटली। तो जो दिक्कत है, हालांकि 19 तारीख को अब इसकी एनालिस्ट मीट है, तो लेट्स सी वहां से कोई आउटकम आता है कि नहीं, लेकिन तब तक ये स्टॉक हरकत में जरूर रहेगा, फोकस में जरूर रहेगा। चलिए, तो एक बैंकिंग स्टॉक के साथ आशीष ने शुरुआत की है, सरकारी बैंक है, एक सरकारी बैंक मेरे टीम में भी है, लेकिन उसके पहले एक निजी बैंक के ऊपर फोकस करना है, वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आज आप खरीदारी कर सकते हैं 445 के लेवल के लिए, 420 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लिस्टिंग के दिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद देखिए आप किस तरह का परफॉर्मेंस कल देखने मिला है, 17-18% के आसपास की तेजी आई है। और कल सेकेंड हाफ के जो शो था फाइनल ट्रेड, उसमें भी अनिल सर ने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से डिलीवरी बेस्ड बाइंग जो है इसमें परसों देखने मिली है। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम अब इसमें आ रहा है, तो यहाँ से शायद आज फिर से आपको एक मौका मिलेगा ट्रेडिंग करने का। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आप खरीद सकते हैं आज 445 के लेवल के लिए, 420 का रखिएगा स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की है, और यहाँ पे आजकल ये भी एक परपेचुअल सेल बन चुका है, और वो है UPL। रिक्वाली करके चलना है आपको, 475 के लेवल के लिए 495 का स्टॉप लॉस रखना है। दुनिया भर की जितने भी रेटिंग एजेंसीज है सब इसे डाउनग्रेड कर रही है, और अब फिच ने भी इसको डाउनग्रेड कर दिया है, UPL कॉप को इसकी रेटिंग डाउनग्रेड की है। बेसिकली ग्लोबल स्तर पर जो क्रॉप प्रोटेक्शन की मांग है उसमें गिरावट देखने मिल रही है, और इसके लिए कहीं ना कहीं इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। इसके लिए आप बिकवाली करके चलेगा 475 के लेवल के लिए,
495 का रखेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं फ्यूचर्स में। खरीदना है खबरों वाला स्टॉक जैसे तैसे हाथ लग गया टाटा मोटर्स, जहाँ पर अगर आप देखें तो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है, आधिकारिक नहीं है लेकिन सोर्स बेस्ड खबर है कि यहाँ पर आप देखें तो टाटा मोटर्स ईवी बिजनेस के डीमर्जर का भी विचार कर रहा है। साथ में अगर आप देखें तो इनका जो बैटरी बिजनेस है इसके डीमर्जर के लिए भी बोर्ड विचार कर रहा है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है, आधिकारिक नहीं है लेकिन फिर भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और स्टॉक की स्ट्रेंथ के तो क्या कहने, लगातार बड़ी तेजी स्टॉक ने दिखाई है तो स्ट्रेंथ है, कंफर्ट है टेक्निकली खरीदारी करने का। और खबरों के चलते कैटलिस्ट आ गया, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं 947 रुपए के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 915 रुपए का। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी यानी ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए स्टॉक है लंबे समय से रडार पर, निश्चित तौर पर आइडेंटिफाई भी किया था जब पहला रिवर्सल आया था वोल्टास, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और जिस स्ट्रक्चर से बाहर निकला है ऐसा लग रहा है कि तेजी आपको सस्टेनेबल देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल ऑप्शन के माध्यम से अगर हमें इंट्राडे में थोड़ा सा भी मूव मिल गया तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो हासिल हो जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, वोल्टास में 1090 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पहले स्टॉप लॉस चुनिए, 22 रुपए का स्टॉप लॉस है वो आपको सिस्टम में लगाना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि दिन के दौरान तेजी आती है तो यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो 35 रुपए तक के आपको इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा, वोल्टास है कुछ हाल ही के कुछ दिनों में थोड़ा सा चल भी चुका है लेकिन टेक्निकल स्ट्रेंथ है, इसी के चलते यहाँ पर कॉल ऑप्शन के माध्यम से करनी चाहिए खरीदारी। चलिए ऑप्शंस में मेरे तरफ से नैरको का काउंटर है, 157 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 6 रुपए के लक्ष्य के लिए 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। FNO बैंक से बाहर आया है, सरकारी कंपनी है और US में मेटल इंडेक्स में तेजी देखने मिली है। एल्कोवा का स्टॉक भी यहाँ पे तेजी में था। तो 5 रीजन मैंने आपको गिना दिए हैं जिसके वजह से नैल्को में आपको खरीदारी करना है। कॉल ऑप्शन खरीदना 157 का, 6 रुपए के लक्ष्य के लिए 4 रुपए का रखेगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं लिस्ट में आगे, अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, वरुण बताएंगे। तो सरकारी बैंक ये मैंने अपने टीम में शामिल किया, आशीष आपने सब तर्क तो बता दिए, IOB को मैंने अपने टीम में शामिल किया है। तर्क सेम है जो आशीष ने बताया आपको कि सरकारी बैंक होना चाहिए और अच्छी खासी तेजी इन बैंक्स में देखने मिले तो 72 के लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, 68 का स्टॉप लॉस रखिएगा। चार्ट मजबूत है और सब तर्क आपको बता दिए गए, यहाँ पर आप फोकस करके चलेगा। अपनी अलग तेजी में स्टॉक चल रहे हैं, टेक्निकली मेरे रडार पर आया स्टॉक डिलीवरी काफी दिनों के बाद, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना था, स्ट्रक्चर के बाद ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आ गया, अब इन्हीं रीटेस्ट लेवल्स पर ये फिर से आ रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि जब भी इस लेवल के आसपास आता है स्टॉक में आपको बस देखने को मिलता है। तो डिलीवरी 487 रुपये का टारगेट है और राउंड फिगर 450 रुपये का आप लगाकर चलिए, स्टॉप लॉस तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक, तो फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है फंडामेंटली काफ़ी बेहतर और स्ट्रॉन्ग कैम्स, यहाँ पर आप करिए खरीदारी। RTA यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का कारोबार है जिसमें कंपनी का 69% का मार्केट शेयर है। पिछली 6 AMCs को जिनको मैंडेट्स मिले इनमें से आप देखिए 4 तो कैम्स के पास ही आए हैं, तो बिजनेस अपने आप में काफ़ी अच्छा है, पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड ऑनलाइन बिजनेस है, कोई भी दिक्कत होती नहीं है। इनका खुद का प्लेटफॉर्म भी अगर आप यूज़ करके देखें तो बहुत बढ़िया है। तो 3350 रुपये का टारगेट है मेरी तरफ से, समय ज़रूर देना होगा 6 महीने का, लेकिन फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल चेक और पैरामीटर्स भी स्टॉक फुलफिल कर रहा है, कैम्स में ज़रूर आपको निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो कैम्प्स में आपको करना है निवेश। मेरे तरफ से फंडा पिक है सूरज एस्टेट डेवलपर्स, हाल ही की लिस्टेड कंपनी, आपको पता होगा यहाँ आज के लिए एक टेक्निकल लेवल दे रहा हूँ, साथ ही साथ आपको एक फंडामेंटल रीजन भी बताता हूँ। 356 के लेवल के लिए आज खरीदारी करना है, 335 का स्टॉप लॉस रखना है। कल 342 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी जो कि पिछले काफ़ी समय से इस लेवल पर क्लोज करने के लिए दिक्कत आ रही थी, लेकिन अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल इसका निकल के आता है 356 का आता है और 356 के लेवल के ऊपर अगर एक क्लोजिंग दे देता है तो आपको 400 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। फंडामेंटल तर्क यह है कि हाल फिलहाल में इस कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी बेहतरीन थे लेकिन मार्केट का मूड और माहौल बिगड़ गया, इसके लिए स्टॉक में उस तरह की रैली नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये अपने रिजल्ट्स पे भी रिएक्शन चालू कर देगा। इनफैक्ट एक लोकल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था आशीष, और यहाँ पे 450 के आसपास के लेवल जो है वो ये दे रहे थे। दूसरा एक तर्क ये समझ में आता है आशीष, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो मुंबई में डेवलपमेंट की जगह नहीं दिखती है, रीडेवलपमेंट की जगह जरूर दिखती है, तो कहीं ना कहीं ये वो कंपनी है जहाँ रीडेवलपमेंट के लिए आपको काफ़ी स्कोप है, इसके लिए आप इसको रडार पे रखिएगा। टेक्निकल लेवल 356 है, फंडामेंटल लेवल इनिशियली 400, उसके बाद 500 के लेवल भी दिखा सकते हैं, रडार पे रखिएगा इस काउंटर को। अगला है निवेश का स्टॉक NHPC और ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद आता है, अगले 6 महीने में 120 के लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। आपको याद होगा इसका OFS आया था, OFS के बाद ये स्टॉक रुका नहीं था, लगातार स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती थी,
लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट के करेक्शन के साथ स्टॉक में करेक्शन आया, 92 के लेवल्स के आसपास आ चुका है। यहाँ पे खरीदारी के बहुत अच्छे मौके इस काउंटर में, आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। वैसे भी पावर सेक्टर जो है वो काफ़ी फोकस में है, तो मुझे लगता है ये एक स्टॉक जहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल सकती है। हालांकि मैंने 6 महीने के लिए आपको 120 का टारगेट दिया, लेकिन अगर ये स्टॉक चलना शुरू हो गया तो 6 दिन में भी ये आपको 120 के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा, लंबी तेजी यहां से भी एनएचपीसी में आपको देखने मिल सकती है, तो रडार पर रखेगा इस काउंटर को। रडार पर रखना एनएचपीसी को, लंबी तेजी बड़ी तेजी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। और याद आता है कि जब आईपीओ लेवल इसका था 35-36 रुपए का, तब यहां से जब पहला ब्रेकआउट हुआ था तब ट्रेडर्स डायरी में स्टॉक आपको बताया था, वहां से आप देखिए ऑलरेडी अब 120 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिले। शानदार प्रदर्शन है, कन्विक्शन पूरा इस स्टॉक के ऊपर बना हुआ है। निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है मदरसन सुमी वायरिंग, और शो के दौरान मैं इस ग्रुप के बारे में आपको बता रहा हूँ कि वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले 6-8 साल में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से उन्होंने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया है काफ़ी अच्छी बात है। कारोबार बहुत बढ़िया, अगर आप वायरिंग हार्डनेस कारोबार में इंडिया में देखें तो 40% का मार्केट शेयर है। Q3 के नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे, तो आपके पास कुछ अच्छे कैटलिस्ट हैं जो कि बता रहे कि अगले 1 साल में स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। 84 रुपये का टारगेट है, समय आपको देना होगा 12 महीने का। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की, तो खबरों के लिहाज से मैंने चुना है डिफेंस स्टॉक को। हालांकि खबर दूसरे स्टॉक्स पर है लेकिन इम्पैक्ट यहां पर भी देखने को मिलता है। देखिए डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल की आज बैठक है जहां पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस मिल सकता है, तो इसी के चलते पूरा सेक्टर फोकस में रहेगा। BDL ये स्टॉक चुना है, वैसे दरअसल NBCC स्टॉक मैंने चुना था खबरों के आधार पर, लेकिन वहां पर ऑलरेडी कल 5% के सर्किट पर क्लोजिंग हो गई, तो मैं समझ गया था कि किसी के हाथ नहीं आएगा, तो BDL ये स्टॉक ढूंढ के निकाला है। 1715 रुपये का टारगेट और 1650 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए तो BDL यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, और निवेश करना है मदरसन सुमी वायरिंग में जहाँ पे बड़े लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मेरे तरफ से खबरों के दम पे है सुदर्शन केमिकल, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 590 के लेवल के लिए, 556 का स्टॉप लॉस रखना है। प्रमोटर्स ने 18 लाख शेयर बेचे हैं, लेकिन HDFC म्यूचुअल फंड इन्होंने पूरा का पूरा स्टेक खरीद लिया है करीब 2.5% के आसपास का, और 514 के भाव पे ये सौदा हुआ है। नो डाउट कल सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ी तेजी देखने मिली थी, इसके लिए स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखना 556 का, लेकिन 590 के लेवल के आज भी आप यहां पे पोजीशन ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहां पर जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में माई चॉइस में वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहां पर आप रखिएगा नजर, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स लगातार यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है और इस ट्रेंड के साथ आपको जाना चाहिए। खरीदारी कीजिए 1200 रुपये के टारगेट के लिए, और 1100 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में कैनफिनोम, जहां पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज बताया तो आज ही चल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है लेकिन थोड़ी सी कम है। स्ट्रक्चर ऐसा है कि बता रहे कि सस्टेनेबल तेजी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में भी दीजिए जगह। 860 रुपये का टारगेट, 800 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। टेक्निकल तौर पर शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में पूनावाला फिनकॉर्प, और ये भी स्टॉक ऐसा है वन ऑफ अ काइंड है, लगातार बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिलती है। छोटे मोटे पुलबैक जब आते हैं तभी खरीदारी करने का मौका होता है, और उसके ऊपर भी देखिए जो स्ट्रक्चर है काफी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल के लिए 515 का टारगेट, 485 का स्टॉप लॉस। माय चॉइस में मेरे तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। एक तो ईपैक ड्यूरेबल, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 194 के लेवल के लिए, 183 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे अच्छे हैं, आय में 1% की बढ़ोतरी है, एबिटा जो है 4-5 गुना हो चुका है, और मार्जिन बढ़े हैं, और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, 6 करोड़ के घाटे के मुकाबले 5 करोड़ का मुनाफा है, स्टॉक में तेजी हो सकती है। अगला BL कश्यप है, 78 के लेवल की खरीदारी करना है, 73 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी को 208 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इस ऑर्डर विन के चलते आज स्टॉक में तेजी हो सकती है, खरीदारी करना है। और आखिरी में कोचिन शिपयार्ड, 880 के लेवल की खरीदारी करना है, 850 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स मजबूत है, मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी खासी तेजी हो सकती है, इनिशियली 880 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी, 850 का रखना है स्ट्रिक स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखेंगे रीकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और ऑप्शंस में खरीदेंगे वोल्टास का कॉल ऑप्शन, टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है डिलीवरी, और फंडामेंटली 6 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करें कैम्स में। निवेश के लिहाज से खरीदना है मदरसन सुमी वायरिंग, खबरों का असर देखने को मिलेगा BDL में, यूनाइटेड स्पिरिट्स लगातार तेजी, कैनफोनम से ब्रेकआउट के लिए तैयार, और पूनावाला फिनकॉर्प का टेक्निकल स्ट्रेंथ है काफी बढ़िया, 515 रुपये का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक डिलीवरी, जहां पर आप देखें अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ तेजी आ सकती है, 487 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में खरीदारी करना है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, कल तेजी थी, आज फॉलो अप बाइंग हो सकता है।
फ्यूचर में यूपीएल में बिकवाली करना है, फिच ने किया है डाउनग्रेड। ऑप्शंस में नैलको में खरीदारी की जगह 157 का कॉल ऑप्शन बैन के बाहर आया है। टेक्निकली आईओबी अच्छा लगता है, फंडामेंटली सूरज एस्टेट डेवलपर में आपको करनी है खरीदारी। फंडामेंटल्स तो अच्छे, टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है एनएचपीसी में अगले 6 महीने में 120 के लेवल के लिए। खबरें सुदर्शन केमिकल में है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है माई चॉइस में। ईपैक ड्यूरेबल नतीजे अच्छे हैं। बीएल कश्यप ऑर्डर मिला है 208 करोड़ का। और कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे भी कीजिएगा खरीदारी क्योंकि टेक्निकली स्ट्रांग चार्ट है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एनएचपीसी, खरीदारी कीजिएगा 120 के लेवल अगले 6 महीने में देखते मिल सकते हैं। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, ओएफएस के बाद स्टॉक में तेजी थी लेकिन हाल फिलहाल में बाजार की जो गिरावट आई स्टॉक कूल ऑफ हो चुका है, फिर से तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अगले 6 महीने में 120 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। ओके, चलिए तो स्टॉक्स हमने आपको बता दिया कि कहां आपको खरीदारी करना है, कहां आपको बिकवाली करना है। एक बार क्विकली गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं कि किस तरह के संकेत वो दे रहा है। शो की शुरुआत जब हमने की थी तो करीब 70-75 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो उसी तरह की तेजी जो है गिफ्ट निफ्टी में कायम है, यानी कि 70-75 अंक के आसपास की तेजी जो है वो अभी भी गिफ्ट निफ्टी में कायम है। चलिए लेकिन हमारे मार्केट्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, क्या करना है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु मंडाई हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण। गुड मॉर्निंग आशीष। वीकेंड से पहले बहुत ही बढ़िया मूड में आपको बाजार दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से हमारी हैट्रिक अमेरिका में तेजी की लग रही है, हैट्रिक हमारे बाजारों में भी तेजी की लग रही है। तो बस सवाल यही है कि क्या इस एक्शन को और आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। आइए करते हैं इस पर फोकस।